अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम अपने DCEU की सबसे आखिरी मूवी। ये वो मूवी होगी जो पुराने DCEU को बाय बाय करेगी और नए DCEU को अपने खुले हाथों से स्वागत करेगी। इस मूवी के सुनने में आ रहा था कि स्टूडियो अपने हैंड्स डाउन करके बैठा है कि ये मूवी बिल्कुल पिटेगी और फ्लॉप होगी। शायद उन्होंने राइटिंग ही इतनी बकवास की थी इसलिए उनका भरोसा उठ चुका इस मूवी से। लेकिन क्योंकि ये DCEU की लास्ट मूवी है और ये बन चुकी है तो इसे डिब्बे में बैठकर की तरह तो नहीं रख सकते, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, तो वो यही चाहेंगे कि जितना हो सके निचोड़ ले आवाम से। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरा नज़रिया कुछ और है। मुझे ट्रेलर काफ़ी हद तक पसंद आया, काफ़ी एक्सीलेंट तरीके से उसे कट करके बनाया गया है जिससे आवाम थोड़ी सी एक्साइट हो चुकी है और कुछ हो जाएगी। ट्रेलर काफ़ी वाइब्रेंट और सैचुरेशन हाई लेवल पे थी और हमें पुरानी एक्वामैन क्यों पसंद है, उसकी लास्ट जो फाइट थी वो अभी भी मुझे याद है, एक एक सेकंड वो कितनी कमाल की थी। उसकी सैचुरेशन, उसका वाइब्रेंट कलर, वो जो डिज़निश लैंग्वेज होती है मूवी में वो अलग ही लेवल पे चल रही थी भाई, वो बहुत ही कमाल की मूवी थी। उसमें एक्टिंग आर्थर करी की AKA जेसन मोमोवा और उसकी एक्स वाइफ, अरे मैं एक्स क्यों बोल रहा हूँ, वो तो जॉनी डेप की एक्स है, सॉरी, उनकी जो वाइफ थी मूवी में एम्बर हर्ड, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लिखी गई थी और जिसकी वजह से वो $1 बिलियन कमा गई। हालांकि मुझे इतना यकीन नहीं था उस मूवी पे कि वो $1 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, लेकिन उसने वाकई किया। और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये मूवी भी काफ़ी देखने में वाइब्रेंट और सैचुरेशन हाई लग रही है। उसमें जो विलन दिखाया है ब्लैक मैंटा, वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा रहे हैं। वो जो ग्रीन कलर का उसका ट्राइडेंट है वो पुरानी स्टोरी से कनेक्ट हो रहा है, जिसमें जो पुराना किंग था जिसने हराया था और फिर ट्राइडेंट तोड़ दिया था, ये वो उसे वापस लेके आए और ये कोई डेड की आर्मी भी ज़िंदा कर रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। वो ग्रीन कलर में जो उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है वो देख के काफ़ी खौफ आता है। और एक्वामैन के लिए तो वही होगा कि एक बंदा था उसे मैंने मार दिया, सच याद भी नहीं होगा, लेकिन वो अपना दर्द अभी भी सीने में लिए बैठा हुआ है। फिर उससे लड़ने के लिए किंग आर्थर करी अपने भाई को लेके आएंगे, जो पिछली मूवी के आखिर में उसे कैद कर लिया गया था, उसे वापस लेके आएंगे उसकी जेल से और उसकी हेल्प से ये ब्लैक मैंटा को हटाएंगे। और मे भी आखिर में यही हो सकता है कि वो जो आर्थर करी का भाई है वही असली किंग बने और ये अपनी दुनिया में वापस चला जाए जैसे वो पहले रहता था, जो कि हमने फ्लैश की पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा है कि वो पागलों की तरह शराब पी कर दूध हुआ हुआ और पानी में गटर के पानी में गिरता है, पता नहीं वो क्या था सीन, वो शायद इसी मूवी से कनेक्ट होगा। ये मूवी फ्लैश के पहले एक प्लेस करेगी। और बता दूँ इसमें एम्बर हर्ड का कोई इतना ज़्यादा खास रोल नहीं होगा, वो सिर्फ बच्चा पैदा करेगी, गायब हो जाएगी, बच्चा भी आतर करीर संभालेगा। और इस मूवी में रोमांस बहुत दिखाया जाएगा, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा है रोमांस काफ़ी दिखाया जाएगा, जो कि ज़्यादातर सुपर हीरो मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता, वो अलग ही बकचोदी चल रही होती है, किसने मेरे भाई ने मेरी माँ को मार दिया, मैं इसे मार दूंगा, ये मेरे बाप को मार देगा, वो अलग ही स्टोरी चल रही होती है। इसमें थोड़ा सा रोमांस दिखाया गया है और ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाकी इस पर आप लोगों की क्या ओपिनियन है और इस पर और भी बात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।